स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पुदुम भाई के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की झोली, जो कि काफी सरल व टेस्टी होती है। तो जैसे कि काफी लेडीज कंफ्यूज रहती हैं कि दाल के अलावा क्या नया ट्राई किया जाए, तो उसमें ये ऑप्शन काफी बेस्ट रहेगा। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं इसको मैं आपके संग शेयर करती हूँ। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्याज को चॉप कर लिया है बारीक, ये देखिएगा, और उसके बाद एक लहसुन की कली, ये भी मैंने चॉप कर ली है। और इसमें मैंने लिया है ये चार टमाटर लिए हैं, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक। और ये मसाले हैं, इसमें है आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर और एक चम्मच नमक। और आप अगर तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। एक चम्मच मैंने लिया है आटा और एक चम्मच ली है मैंने कसूरी मेथी, जो कि काफ़ी टेस्ट को इन्हेंस करती है। तो दोस्तों मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच देसी घी, और आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। दोस्तों घी गर्म हो चुका है और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और उसके बाद एक पिंच हींग डाल दिया। दोस्तों प्याज हमारी हो चुकी है और इसे ब्राउन, और उसके बाद हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। दोस्तों इसके बाद हम डाल देंगे आटा, जो कि थोड़ा सा भुन जाएगा इसी के साथ ही, नहीं तो उसमें थोड़ा सा कच्ची वो आती है आटे की स्मेल। तो दोस्तों इसके बाद मैंने डाल दिए इसमें मसाले, जो कि हल्के से भुन जाएंगे। गैस को आपको सिम करना है। और इसके बाद मैं डालूंगी चॉप किया हुआ टमाटर। तो दोस्तों इसमें हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दी है। आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। फिर दोस्तों ये 5 मिनट के करीब मैंने चलाया है, काफ़ी टमाटर इसमें पहले से ही चॉप किए हुए थे जो कि गल चुके हैं, और इसमें फिर हम डाल देंगे 1 गिलास के लगभग पानी, 1 से 1.5 गिलास पकने के लिए भी इसमें थोड़ा सा। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, जो कि इसे पकने में इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए, 5 से 10 मिनट। तो दोस्तों ये झोली तैयार हो चुकी है, देखिए इस तरह से 5 से 10 मिनट मैंने इसे पकाया है ढक्कन लगा करके, और अभी खाने के लिए रेडी हो चुकी है।